एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी तो ये भुर्जी बनाते टाइम ना हम ये ग्रेवी वाली ढाबा स्टाइल भुर्जी बना रहे हैं, और इसका जो कलर है, इसका टेक्सचर है, इसकी कंसिस्टेंसी है, परफेक्ट ढाबा स्टाइल भुर्जी के जैसी होती है। लेकिन इसमें छोटे से टिप्स है, सीक्रेट है, जो आपको इस रेसिपी में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। तो सबसे पहले 3 चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है, उसमें जाएगा जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक काट कर लिए हैं। अब इसे ये प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ना इसे हल्का सा डीप गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मीडियम हीट पर मैंने ये प्याज है ना अच्छे से भून लिए हैं। तो आप देखिए प्याज ऑलमोस्ट गल चुके हैं तेल के साथ। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट स्टेप कि प्याज है ना अच्छे से फ्राई होने चाहिए, एकदम से अच्छे से गलने चाहिए तेल में और हल्के से कैरमलाइज भी होने चाहिए। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये करना है मिक्स। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए ना YouTube पर मधुराज रेसिपी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ये अब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर थोड़े से बिग चंक्स में मैंने कट कर लिए हैं, ये करना है मिक्स। और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुके हैं प्याज के साथ, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले धनिया का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, ये अच्छे से कर लेंगे मिक्स और 2 मिनट के लिए अच्छे से एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये जो बेसिक मसाला है ये बनकर तैयार है। लेकिन अब इस मसाले में हम स्ट्रेट पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, टमाटर एक जगह और प्याज एक जगह, तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ये एक साइड निकाल लेते हैं मसाला और थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें डालेंगे बेसन। जी हाँ, बेसन। तो ढाबा स्टाइल कुकिंग जब हम करते हैं ना तो बेसन काफ़ी यूज होता है, एंड नॉट जस्ट कि ऐसे ग्रेवी, इवन मिसल जो महाराष्ट्र में मिलती है उसमें भी वो थिकनेस कंसिस्टेंसी लाने के लिए, इवन सांबार उसमें भी बेसन यूज़ होता है। तो अब ये बेसन है ना 2 से 3 मिनट तेल में हम भून लेंगे। तो बेसन भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें जो कच्चा या फिर रॉ स्मेल रहता है ना वो निकल जाता है, तो इसलिए बेसन अच्छे से भून लेना बहुत ज़रूरी। अब बेसन यहाँ पर भून गया, अब ये करेंगे मिक्स इस टमाटर और प्याज के मसाले के साथ। जी हाँ, ऐसे इसमें डालेंगे नमक फॉर टेस्ट, करेंगे मिक्स। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये मसाला अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ढेर सारा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही, आधा कप ऑलमोस्ट, ताकि इसे ना ग्रेवी स्टाइल टेक्सचर आ जाए। देखिए लवली, अब इसे ना एक उबाल आने तक कुक कर लेंगे। ऑलमोस्ट अब 5 से 7 मिनट मैंने ये मसाला या फिर ग्रेवी अच्छे से बॉईल कर लिया, और अब देख सकते हैं कितना बढ़िया इसे टेक्सचर आया है, कलर आया है, लवली। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो ये ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस भुर्जी में। हाथ में से क्रश कर कर डालते ना उसका स्वाद अच्छे से रिलीज हो जाता है। कर लेंगे मिक्स। और अब फाइनली इसमें हम डालेंगे पनीर। तो पनीर यहाँ पर है ना कद्दूकस कर कर या फिर कट कर कर नहीं लेना, बस हाथ में लेकर
उसे हल्के से क्रश करना है, रफली क्रश कर कर लेना है, तो उसका टेक्सचर है ना बहुत अच्छा आ जाता है भुर्जी में। तो अब ये पनीर हम डालेंगे इस मसाला में। कर लेना है मिक्स और बस एक और 5 मिनट के लिए ये हम एक साथ कुक कर लेंगे। अब बस 5 मिनट हुए हैं। पनीर है, पनीर प्रोटीन रिच रहता है, ओवर कुक करेंगे तो उसका जो सॉफ्टनेस है पूरा चला जाता है। परफेक्टली अगर आपको कुक करना है तो कभी भी कोई भी पनीर की डिश बनाए, ग्रेवी में डालने के बाद बस 5 से 7 मिनट तक उसे कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसे लंबे समय तक कुक करेंगे तो उसका टेक्सचर चीवी बन जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, सॉफ्टनेस पूरा निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गए यहाँ पर और आप देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है पनीर की भुर्जी। इसका मसाला, इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी सुपर्ब। और अब फाइनली इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, ज़बरदस्त सुपर्ब। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मसालेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुर रेसिपी।